दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। आतिशी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पाइपलाइन को सुरक्षा देने की मांग की है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की चिट्ठी के बाद एक्शन में आई पुलिस। अधिकारियों ने यमुना खादर इलाके में स्थित दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों को का किया दौरा। पाइपलाइनों की रखवाली के लिए गश्त लगाते नजर आए दिल्ली पुलिस के जवान। विपक्ष के ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी का जवाब, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा ईवीएम पर सवाल उठाए जाना गलत है, इसके खिलाफ खड़े हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट किलर। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो लोग पहले नेशनल उसके ऊपर अटैक कर रहे थे लोग, अब इंटरनेशनल जो है वो सुपारी किलर्स जो है उसके खिलाफ खड़े हो गए। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने किया खारिज। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता, ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं रहती। बीजेपी नेता अजय आलोक और राहुल गांधी पर ईवीएम को लेकर तंज, कहा ये अपने आप को अगले 5 साल तक जिंदा रखने का मुद्दा खोज रहे हैं। ईवीएम हैकिंग के आरोपों पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का पलटवार, कहा ईवीएम हैक होती तो यूपी में बीजेपी को 33 सीटें नहीं मिलती। पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर शेयर कर केरल कांग्रेस ने कसा तंज। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़के बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन, कहा ये ईसाई समुदाय का अपमान है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनकी आस्था का उपहास उड़ाने के बाद कांग्रेस में इस्लामिस्ट मार्क्सवादी गठजोड़ अब ईसाइयों का अपमान करने पर उतर आया है। पीएम मोदी पोप फ्रांसिस की फोटो पर कमेंट कर फंसी कांग्रेस, विरोध होने पर केरल कांग्रेस ने पोस्ट कर डिलीट कर दिया, ईसाई समुदाय से बिना शर्त माफी मांगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में किया प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। संसद भवन आने वाले लोग 15 महापुरुषों और महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को एक स्थान पर देख सकेंगे। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के बाद उपराष्ट्रपति का बयान, प्रेरणा स्थल लोगों को प्रेरित करेगा, उत्साह देगा, हर भारतीय के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। संसद परिसर में महात्मा गांधी और बाबा साहेब की मूर्तियों की शिफ्टिंग पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बिना किसी परमिशन के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, प्रेरणा स्थल बहुत अच्छी सोच के साथ बनाया गया है, ये लोकसभा सचिवालय का बहुत बढ़िया काम है। प्रेरणा स्थल को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान, कहा कोई भी प्रतिमा हटाई नहीं गई है, उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। 24 जून को शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। नई लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। संसद सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई एनडीए की बैठक। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत कई नेता रहे मौजूद। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के नामों पर हुई चर्चा। लोकसभा स्पीकर को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान, कहा अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपना स्पीकर बनाना ही होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर उठाया सवाल, कहा हिंसा की घटनाएं सिर्फ बंगाल में ही क्यों होती है, महिलाएं ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रभावित हैं, ये कैसा लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में चल रहे शांति शिखर सम्मेलन में भारत ने यूक्रेन संबंधी बयान से खुद को अलग किया, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य का हिस्सा नहीं होगा भारत। पॉक्सो मामले में आज बीएस येदुरप्पा से सीआईडी करेगी पूछताछ, हाईकोर्ट के सीआईडी के सामने पेश होने के आदेश दिए गए। यूपी में पेपर लीक कानून लाने के लिए मसौदा तैयार हो गया है, परीक्षाओं की होगी फुल प्रूफ व्यवस्था। कानून में उम्र कैद के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान रहेगा, गैंगस्टर एक्ट लगने पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव हुआ है, बाबरी मस्जिद की जानकारी हटाने और अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखने की बात सामने आई है, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताई है नाराजगी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स